चर्तु संधि, चर्तु का मतलब चर, चर हो जाना, चर एक प्रत्याहार है। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चट त कप वर्गों के पहले वर्ण और ऊष्म, श स ह। दो वर्ण, अच्छा 5 वर्ण हो गए, श स स ह, नहीं, उसमें भी सारे नहीं आते, तीन ही आते, तीनों श, श स स सर, ठीक है, तीनों श और वर्गों के पहले वर्ण। ये भी दो तरह से करता है। चर तो जो है वो दो तरह से करता है, एक तो अपदांत, एक पदांत, जिसको पदांत जो होता है लास्ट जो बचता है उसको अवसान भी कहते हैं व्याकरण की भाषा में, उसे क्या कहेंगे? अवसान। अपदांत। और ठीक है, अब ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो सूत्र है वो है अपदांत चर्तु का, और पदांत चर्तु का जो सूत्र है वो है वा वावसाने। दोनों को जल्दी जल्दी समझेंगे और दोनों को अच्छी तरह से समझेंगे। अपदांत चर्तु दो प्रकार का है, दो प्रकार से चर होता है, एक पद के अंत में जो वर्ण है उसको चर्तु हो जाना, चर हो जाना, मतलब कि वर्ग या तो क हो जाना, च हो जाना, ट हो जाना, त हो जाना, प हो जाना, या श स हो जाना पद के अंत में। वा विकल्प से होगा, एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। चलिए पहले अपदांत सूत्र है खरी च, खरी में है सप्तमी, तो मतलब खर परे रहने पर, खर बाद में, तो दो वर्णों में संधि होती है। दूसरा वर्ण हमें पता लग गया, दूसरा वर्ण खर होगा, दूसरा वाला वर्ण खर होगा। खर में कौन से वर्ण आते हैं? दूसरे वर्ण वर्गों के और पहले वर्ण और तीनों श, खफ छठथ चट तव कपय श श सर, वर्गों के दूसरे वर्ण, वर्गों के पहले वर्ण और तीनों श। ये दूसरे वर्ण हो, दो वर्णों में संधि होती है, दूसरा वर्ण जो है वो खर का हो, या तो दूसरा वर्ण हो वर्ग का, या पहला वर्ण हो, या तीनों शो में से कोई हो। पहला वाला वर्ण कौन सा हो फिर? पहला वाला वर्ण झल का हो, झल का हो, झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण झल प्रत्याहार में आते हैं। और कौन से आते हैं? और कौन से आते हैं इसमें? ऊष्म वर्ण साथ में, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये तीनों ऊष्म वर्ण हैं, इनके साथ एक ह, श स ह, ऊष्म वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो वर्गों की, तो पहला वाला वर्ण दो वर्णों में संधि होती है, पहला वाला दो वर्णों में संधि होती है, पहला वाला वर्ण या तो वर्गों का पहला वर्ण हो, या दूसरा हो, या तीसरा हो, या चौथा हो, या वो ऊष्म हो, श स ह में से कोई एक हो, उसके तुरंत बाद खर हो। खर का मतलब या तो वर्ग का पहला वर्ण हो, या दूसरा वर्ण हो, या श स स हो। ठीक है, तो इस झल को चर हो जाए, वर्ग का पहला वर्ण हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहला वर्ण हो जाए, सीधी सी बात है, श स तो हर जगह ही आ रहे हैं, तो श स स से स श स कट गए एक तरह से, क्योंकि श के बाद अगर श होगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कटेंगे नहीं, हाँ एक तरह से कट ही गए, इनके उदाहरण भी हमें देखने को नहीं मिलते, कोई उदाहरण नहीं होता इनका। ठीक है, चलिए, तो ये सीधी सी बात है, सुनना है कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि वर्गों का दूसरा या पहला वर्ण आ जाए, तो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण को पहला वर्ण हो जाए अपने अपने वर्ग का। ठीक है, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाए यदि पीछे दूसरा या पहला वर्ण हो तो। उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से समझना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं, दिक, और देखिए शब्द है दिग और पाल, क्या ये झल है? जी हाँ ये झल है, क्योंकि ये वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण में से तीसरा वर्ण है, क ख ग पीछे। क्या ये खर है? जी हाँ, क्योंकि खर में पहला और दूसरा वर्ण आता है और ये पहला वर्ण है, तो ये भी, ये झल है, ये खर है, तो क्या इसको चर बना दें? क्या इसको चर बना दें? ग को जी बना दीजिए, चर का मतलब वर्ग का पहला वर्ण, तो ग वर्ण का, ग कवर्ग का वर्ण है ना, तो इसका पहला वर्ण क्या होगा? क, अपने ग जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? क। ठीक है, ये झल है, सूत्र को समझिए, ग एक झल है, झल मात, क्योंकि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण है, तो इस पहले वाले वर्ण को वर्ग, अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाए। ठीक है, अब ग जो है झल में आता है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, क्योंकि प जो है ये खर में आता है, क्योंकि वर्ग खर में आते हैं वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, तो वो भी दोनों नियम पूरे फॉलो हो रहे हैं, तो इसको चर बनाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। चर में कौन से वर्ण आते हैं? हमने जाना था चर प्रत्यार बनाइए, चट तव कपाई,
वर्ग का पहला वर्ण और तीनों श, ठीक है। तो वर्ग का पहला वर्ण बना दीजिए गौ को, गौ बन गया तो क्या बन जाएगा, दिग्पाल, ठीक है बन गया। नहीं, दिग्पाल नहीं, दिक्पाल तो था ही, दिक्पाल गौ को क हो गया, ठीक है। एक उदाहरण से और समझते हैं, देखिए सद कारह, द वर्ग का तीसरा वर्ण है, झल है, ठीक है पहली कंडीशन पूरी हुई, क वर्ग का दूसरा वर्ण है यानी कि खर है, दूसरी कंडीशन भी पूरी, तो इसको चर बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो द जिस वर्ग में आता है उसका पहला वर्ण है त, त थ द, त वर्ग का वर्ण है तो बना दीजिए, त को हो गया, द को हो गया त, सत कारह बन गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चर्तु संधि, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। चलिए अब एक और इसी चर्त में ही एक और चीज़ है, वो होता है कि अब एक सूत्र है वा वसाने मतलब वा वसाने, ठीक है। वा का मतलब बताया था विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, आपकी इच्छा है करें या ना करें, वा माने विकल्प से, अवसाने अवसान माने होता है जहाँ खत्म हो जाए, जिसके आगे कोई है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पर समाप्त हो जाए वाक्य, मैं खाना खाता हूँ तो अवसान क्या है, हूँ, वहाँ पर खत्म हो गया वाक्य, उसके आगे कुछ है ही नहीं, वो हो गया अवसान, जहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा एक तरह से, या फिर जहाँ पर वाक्य खत्म हो गया वो कहलाएगा अवसान, जिसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो होगा अवसान। तो अवसान में आ रहा है अगर कोई वर्ण खर प्रत्याहार का, तो उसको कैसे चर्त्व हो, तो देखिए उसको विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, सब शब्द है रामात, पंचमी विभक्ति राम के रूप चलेंगे तो राम की पंचमी, पंचमी में दो रूप बनते हैं, कौन कौन सा, एक तो रामात, अब तो जो है और एक बनता है रामाद, ठीक है। अब यहां पर इसको चर्त हुआ और यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि विकल्प से, और अवसान इसके बाद कोई था नहीं, रामात खत्म हो गया, अवसान में था तो इसलिए द जो है अवसान में था, इसलिए द को एक बार त हुआ, चर हुआ, और एक बार इसको द नहीं हुआ, एक बार इसको चर, ठीक, क्योंकि अवसान में था, विकल्प से हुआ, ठीक है। इसीलिए इसी तरह आप देखिए वाक और वाग दोनों रूप बनते हैं, दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। इनके बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण होता तो फिर हम इनको बदलते, तो फिर एक ही, फिर सिर्फ यही बचता, ये कट जाता। अगर इसके बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण होता, अगर होता तो फिर ये कट जाता, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ होती, लेकिन अवसान में है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो विकल्प से होगा। बात समझ में आई, चलिए